तो दोस्तों मेरे पास में आज यहाँ पे एक स्केचिंग मशीन का किट, जिसकी मदद से भैया हम कुछ इस तरह की एक स्केचिंग मशीन बनाएंगे जो क्रिएट करेगी भैया कुछ अमेजिंग डिजाइंस। ये आता है भैया स्किलमैटिक्स की तरफ से, जो बनाते हैं एसटीएम लर्निंग किट। इससे पहले कि मैं इस बॉक्स को ओपन करूँ, थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं बॉक्स के बारे में। भैया एज यहाँ पे लिखी है 8 to 99 ईयर्स, और पीछे से पहले यहाँ पे बता दूं भैया, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड जो है बारकोड को स्कैन करके आप देख सकते हो। पीछे बहुत सारी और भी डिटेल मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको इसका प्राइस बता दूं दोस्तों, ये लिखा है 799, और ये है स्किलमैटिक्स की वेबसाइट जहाँ पे इनके और भी प्रोडक्ट आप देख सकते हो। तो चलिए अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया है कुछ इस तरह से ओपन। ये ओके, ये दोस्तों यहाँ पे भी कुछ 25% ऑफ का एक बार कोड दिया हुआ है। करना है किसी को स्कैन, ये लीजिए, करिए स्कैन और लीजिए इसका फ़ायदा। और इसके अंदर कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे ऊपर मुझे एक बहुत ही प्यारे से ग्लव्स के पेड़ दिख रहे हैं, मतलब ग्लव्स पहन के स्केचिंग करेंगे, हाथ खराब नहीं होंगे हमारे। वाह यार, जब तक कलर से हाथ खराब ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। इस पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ओके ये खाली हो चुका है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह के ये पेपर हैं, ये बाद में ही पता चलेगा भैया मतलब इनका इस्तेमाल कैसे करना है। फिलहाल यहाँ पे स्केचिंग मशीन की आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन मैनुअल, प्लस यहाँ पे जो लर्निंग की बुक आप इसको भी बोल सकते हो भैया, इसमें इनके और भी चीज़ें बताई। पर इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया गया है, कलरफुल बिल्कुल, तो मज़ेदार है इनकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट। और ये इस पैकेट के अंदर भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ओहो, तो यहाँ पे कुछ स्केच पेंस और रबड़ वगैरह हमको भैया मिल जाती है। और फाइनली यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो बोर्ड है वुडन का, इसकी मदद से हम बनाएंगे वो मशीन, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो बहुत ही जल्दी से क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारी जो स्केचिंग मशीन है दोस्तों वो बनती है और काम करती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हमारी स्केचिंग मशीन जो है वो बनके अब तैयार हो चुकी है। और उससे पहले कि मैं आपको चला के दिखाऊं, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। दोस्तों यहां पे कुछ पेपर्स आपको शुरू में दिखाए थे, अब उनका असली मकसद पता चलेगा। जैसे ये प्लेन शीट है, यहां पे आप प्लेन में कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे कुछ डॉट वॉट है, इसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो कुछ और भैया डिफिकल्ट होने वाला है, एक्सप्लोर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद देखोगे तो ये शेप भी आपको बनाने हैं दोस्तों। और लास्ट में यार ये वाला बढ़िया सा लगा मुझे, मतलब मेज है इसमें, मतलब यहाँ से हम जाएंगे और निकल पाएंगे अंत में, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल मैं इतना सारा तो नहीं बनाऊंगा, एक बार प्लेन पेपर में ट्राई करता हूँ कुछ बनता भी कि नहीं बनता है मुझसे, और सीधा उसके बाद भैया ये मेज ट्राई करूँगा फास्ट फॉरवर्ड में। तो रुकिएगा, यहीं पे इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूँ, ये पेन आपको कैसे लगानी भैया, ये सिंपली ऐसे, अरे इसका ढक्कन तो खोला नहीं, ये ऐसे लगा दी, और नीचे वाले भी सेम ऐसे ही आपको फंसा देना है। अब कुछ ट्राई करते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों आप, यहाँ पे एक लकीर जो है वो खिंच चुकी है। शुरू में एडजस्ट करने में मुझे हल्की सी दिक्कत हो रही है। दोस्तों मेरा ये व्हील जो है ना यार, सही से यहाँ पे देखो यार कनेक्ट सा नहीं हो रहा है। मतलब पहले तो बड़ा फ्री स्टाइल चल रहा था, ओके अभी थोड़ा सा फ्री फ्लो हो गया है, तो अब मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों किस तरह से यहाँ पे वो फिर फंस गया लगता है थोड़ा सा। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इतने में ही कि क्या मुझसे फाइनली बना है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट प्रैक्टिस में ये मुझसे बना है, बहुत ही बकवास मैं से कहूँगा फिलहाल। मतलब अपने डिज़ाइन को, मशीन तो ठीक ठाक ही काम कर रही है, थोड़ा सा यार ये वाला ना फ्री फ्लो नहीं है इधर का, पहले तो कर रहा था सही से पर अभी इसे कुछ हो गया है पता नहीं क्या। ये जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ ना किसी चीज़ को तो उसे ना कुछ पता नहीं जादू हो जाता है, क्या हो जाता है, या फिर टूट जाता है वो, या फिर बहुत अच्छे से काम करता है। फिलहाल यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइफ हैक किया हुआ है, तो मैंने उसको रेलिंग से ही निकाल दिया है। अब देखिए ये बिल्कुल फ्री फ्लो हो गया है, वो रेलिंग थोड़ी सी कहीं ना जाम हो रखी है, तो फिलहाल रेलिंग के ऊपर निकाल के भी चल रहे हैं तो अपन को उससे मतलब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अब जो है इस मेज को ना ट्राई करने का वक्त आ चुका है, जल्दी से इस मेज को लगाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि भैया यहाँ से मैं मतलब यहाँ पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। दोस्तों यार थोड़ी सी मैंने फाइनल में यार यहाँ पे गलती से लाइन कट कर दी, एक तो थोड़ा सा जाम भी हो रहा है यार ये मेरा मतलब मशीन ना, बट फाइनली आप देखोगे यार मतलब ठीक ठाक ही खेल रहा हूँ, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इस मशीन को। ओहो ये तो मतलब कुछ अमेजिंग हो गया। तो दोस्तों यार अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब
रिव्यू की बात करूँ तो यार ये थोड़ी सी जाम क्यों है ये वाला जो पार्ट है, ये फिर भी बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ वाला ना थोड़ा सा जाम हो रहा है बार बार। तो आप जो है जब इसे बनाओगे ना तो सही से बना लेना, और अगर कोई दिक्कत है तो इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखी है कि भैया आपका अगर ये जाम वाम हो जाए तो कैसे ठीक करना है। फिलहाल इतना टाइम मेरे पास था नहीं तो मैंने ठीक नहीं किया, बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग तो है यार। और आप जो है ऐसे और भी पज़ल, जैसे ये वाला पज़ल है, इंटरनेट से निकाल सकते हो प्रिंट और मतलब आराम से खेल सकते हो दो लोग आपस में मिलके, तो काफ़ी अच्छा गेम है। और इसका तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, ये सर्कल कैसे बनेगा इससे, ये बहुत लंबी ट्रिक है पर बनता ज़रूर है दोस्तों। बिल्कुल डॉट 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 आपको बिल्कुल दोनों जो है बड़ी सावधानी से घुमाने हैं। मेरा थोड़ा सा फ्री फ्लो नहीं है इसलिए मैं सर्कल वर्कल बना नहीं रहा हूँ, बट ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा स्कीमेटिक्स के साथ में और इस क्या बोलेंगे इसे स्केचिंग मशीन के साथ में। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करके जाना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।